एक और नई अपडेट है यूक्रेन में रूस के हमलों पर। सबसे बड़ा अपडेट आपको दे दे, रूस ने यूक्रेन में 160 से ज्यादा मिसाइल दागी है। रूस ने यूक्रेन में अब तक 160 मिसाइल अटैक किए हैं। यूएस की ओर से यह जानकारी है, रूस ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। तो अमेरिका की तरफ से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि रशिया ने कैसे यूक्रेन के शहरों को तबाह कर दिया है। एक के बाद एक रूस और बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किए गए हैं यूक्रेन में रूस के हमलों पर। सबसे बड़ा अपडेट ये है, रूस ने यूक्रेन में 160 से भी ज्यादा मिसाइल्स दागी है। रूस ने यूक्रेन में अब तक 160 मिसाइल अटैक किया है। रूस ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर। एयरपोर्ट को तबाह कर दिया गया, बड़ी बड़ी इमारतों को तबाह कर दिया गया। नेस्तनाबूद करने के इरादे से रूस मैदान में उतरा है और यूक्रेन के कई शहरों में यही मंजर नजर आ रहा है। सब कुछ तबाह सा नजर आ रहा है। और ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, हर जगह पर तबाही का मंजर है यूक्रेन के अलग अलग शहरों में। स्नेक आइलैंड के बारे में आपने जान ही लिया कि स्नेक आइलैंड पर रूस ने दावा भी कर दिया कि पूरी तरीके से स्नेक आइलैंड पर कब्जा रशिया का हो चुका है। रूस के भारी संख्या में सैनिक अब यूक्रेन के अलग अलग शहरों में पहुंच चुके हैं। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर है, अफरा तफरी का माहौल है। यूक्रेन सरकार ये कह रही है कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए भेजा गया है, लेकिन तबाही बहुत ज्यादा मची हुई। अभी तक जो जानकारी है 137 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है, शहीद हो गए हैं वो इस पूरे युद्ध की स्थिति के बीच। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।